हमीरपुर में अभिनव प्रज्ञा संस्थान ने किया निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन। 165 से अधिक रोगियों की आंखों की गई जांच। मोतियाबिंद की शिकायत वाले रोगियों को भेजा गया अस्पताल। गाजियाबाद के लोनी में इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में लगी आग। फैक्ट्री में बटन लगाने का किया जाता था काम। ट्रॉनिक सिटी थाना इलाके का मामला। अमेठी में ओवरलोड ट्रक की चपेट में आया मासूम, इलाज के लिए लखनऊ किया गया रेफर। पुलिस की गिरफ्त में ट्रक ड्राइवर। सुल्तानपुर रोड पर बेनीपुर गांव के पास हुआ हादसा। सहारनपुर में सपा नेताओं ने की डीआईजी से मुलाकात। सपा विधायक नाहिद हसन और पूर्व सांसद तबस्सुम हसन पर गैंगस्टर कार्रवाई से नाराज। राजनीतिक रंजिश के चलते कार्रवाई का लगाया आरोप। लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल सीमा से सटे तिकोनिया कस्बे में सामाजिक चेतना अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। बीएसएफ ने किया आयोजन। निशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाकर आंखों की भी की गई जांच। 2.5 करोड़ के गांजे के साथ 8 गिरफ्तार। फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी। 2.5 करोड़ के गांजे के साथ 8 आरोपी गिरफ्तार। विदेशी लोगों के सप्लाई करने की तैयारी कर रहे थे आरोपी। हरदोई एसपी अनुराग वक्त ने की शाहबाद कोतवाली में समीक्षा बैठक। साफ सफाई और दस्तावेजों का किया निरीक्षण। महिला हेल्प डेस्क की प्रगति पर भी ली जानकारी। अमेठी के संग्रामपुर इलाके में शिव मंदिर में दिखा आस्था का अनूठा संगम। 3,000 से ज्यादा महिलाओं ने की अवसान मैया की पूजा। महिलाओं में दिखा खासा उत्साह। बुलंदशहर में युवक पर 7 साल तक विधवा महिला का यौन शोषण करने का आरोप। सिकंदराबाद कोतवाली इलाके का मामला। पीड़िता ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। प्रयागराज में दिनदहाड़े 2 युवकों को बदमाशों ने गोली मार दी। अल्लापुर इलाके का मामला। 1 युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। रामपुर के शहर कोतवाली इलाके का मामला। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। कासगंज में युवती से गैंगरेप। 3 युवकों ने बंधक बनाकर किया वारदात को अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हाथरस में कृषि कानूनों के विरोध में महापंचायत का आयोजन। आरएलडी नेता जयंत चौधरी रहे मौजूद। सादाबाद तहसील के छविमिया बाग में किया गया था आयोजन। हमीरपुर के राजकीय महिला महाविद्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए महागेमा कार्यक्रम। छात्राओं और महिलाओं ने किया निःशुल्क आवेदन। ट्रैफिक नियमों की भी दी गई जानकारी। सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम और रैली का आयोजन। ट्रैफिक नियमों को दी गई जानकारी। लोगों को सड़क दुर्घटना के समय जरूरी हेल्पलाइन नंबर की भी दी गई जानकारी।